नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एमसीक्यूज पर। तो एमसीक्यूज को हम बारी बारी से चर्चा इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह है। ए ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो इसमें कहा गया कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, मतलब समाज से व्यक्ति किस अवस्था में घुल मिल जाता है, तो ये इसका कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नंबर बी, बी इसका सही आंसर होगा। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति क्या है, समाज में और भी गहन और जटिलता से जुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, मता रोपण, अंगीकरण, अनुकरण और अभिव्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ए दिया है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, बी ऑप्शन दिया है वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है, सी दिया है वयसंधि काल एवं जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है और डी ऑप्शन दिया गया है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल एवं संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग, मतलब समान कक्ष के वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो पहला ऑप्शन आ जाएगा इसमें किशोरावस्था, बी आएगा वयस्कावस्था, सी आएगा प्राक बाल्यावस्था, डी आएगा बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए ऑप्शन है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी ऑप्शन है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा, सी ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, डी दिया है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग व हंट अनुसार, मतलब दो प्रोफेसर है बिग व हंट के अनुसार, बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, ए दिया शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सभी सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में होता है? तो आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम छोटे होते हैं, जब छोटे से हम बड़े होने लगते हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब हम अपने से बड़ों पर बात पर झगड़ा करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, ये दिया गया। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, पहला दिया गया ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी युवावस्था और डी बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में हम बात पे
अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा, और डी दिया है ये सभी। तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया। ए ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था, और डी दिया है वृद्धावस्था। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव, मतलब किस काल में अपन को सबसे अधिक दबाव और तनाव महसूस होता है, तो ये जो अवस्था आएंगी अपनी ये आएंगी नंबर डी। लोग कहते हैं ना कि बूढ़े हो गए इसलिए तनाव में और दबाव में हमेशा रहते हैं बूढ़े व्यक्ति, आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाए, डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाला वाले कारक है, वृद्धि वृद्धि को प्रभावित करने वाले, किस चीज़ के द्वारा वृद्धि होती है शरीर की, ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ की वृद्धि हो सकती है, इंसान की या चाहे प्राकृतिक के पेड़ पौधों की सभी की। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ये ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन दिए गए, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। तो जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ों का होना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर डी, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है, मतलब तूफान हो गया लड़के को, तूफानी हो गया, तो ये कौन सी अवस्था होती है, तो चलिए इसके चार ऑप्शन दिए गए, इसको देख लेते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और डी दिया है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, व्यक्ति तूफानी हो जाता है, सुना ही होगा लड़का जवान हो गया तूफानी हो गया, चलिए तो इसका क्या आंसर होगा, सी आंसर। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया ये रहा, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है, चार ऑप्शन दिए गए, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद होता है, और डी दिया है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च नैतिक विकास होता है, क्या होगा इसका आंसर, नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उच्च नैतिक विकास होता है, ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था में संवेगनात्मक विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है, शैशवावस्था में संवेगनात्मक विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, परिवार, विद्यालय, शिक्षक, समाज। तो इसके इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए परिवार, शैशवावस्था में संवेगनात्मक विकास में किसका सबसे अधिक योगदान होता है, तो परिवार इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में शिशु के विकास को प्रभावित करता है, गर्भावस्था में शिशु के विकास को प्रभावित करता है, तो इनमें से क्या प्रभावित करता है, माता का संतुलित भोजन, परिवार का वातावरण, सी आएगा पिता का व्यवहार, और डी दिया समाज का वातावरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा माता का संतुलित भोजन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माता का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो चार ऑप्शन दिए गए, ए दिया है गर्भावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, और डी दिया है उत्तर किशोरावस्था में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका ए गर्भावस्था में, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बालक के माता पिता द्वारा बालक पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है तथा अपनी इच्छाएं ला दी जाती है, तो बालक का कौन सा विकास प्रभावित होता है, फिर से सुन लीजिए, एक बालक के विकास, बालक के माता पिता के द्वारा बालक पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है तथा अपनी इच्छाएं ला दी जाती है, तो बालक का कौन सा विकास प्रभावित होता है, ए दिया संवेगनात्मक विकास, बी भाषाई विकास, शैक्षिक विकास, और डी शारीरिक विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी शैक्षिक विकास, मतलब एजुकेशन पर ही सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखा जाता है इसलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में संवेगनात्मक विकास की प्रक्रिया में किस विद्वान का नाम अभूतपूर्व योगदान के लिए लिया जाता है? संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस विद्वान का नाम अभूतपूर्व योगदान के लिए लिया जाता है? ए कोहलबर्ग, जी बी दिया है जीन पियाजे का, सी दिया है एरिक्सन का और डी दिया है फ्रायड का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका बी, जीन पियाजे का ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया को सर्वाधिक किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन, ए परिवार, बी समाज, सी दिया ए एवं बी दोनों और डी शिक्षक। तो सही आंसर क्या होगा 19 का? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा नंबर सी, परिवार। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी इसका सही आंसर है, ए तथा बी में क्या आएगा, परिवार और समाज दोनों इसके लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा उदाहरण बालकों के शैशवावस्था में होने वाले सामाजिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही चार ऑप्शन दिए गए, ए दिया है बड़ों तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ए दिया है बड़ों के कार्यों में सहायता देना, बी सहानुभूति का प्रकाशन, सी माता के लिए प्रसन्नता का अनुभव करना और डी ए सामाजिक परंपराओं के उद्देश्यों को समझना। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, सामाजिक परंपराओं के उद्देश्य को समझना, डी इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूले, वीजे एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।